सर डोंट वरी, अगर मैं कुछ अक्लमंद के साथ कुछ बोलूंगा तो शायद बोलेंगे भाई। वन सेकेंड लेट्स ऑर्गेनाइज इट एंड लेट्स डू इट विद थोड़ा अच्छी तरह डिग्निटी से करते हम लोग। रेडी सर, जिस तरीके के ऑल हैप्पी अभी आप सवाल पूछिए एंड जस्ट कीप साइलेंस अमंगस्ट योरसेल्व्स। ओके सर, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप बड़े दिल से और बड़े आत्मसात होंगे, आपको उन प्रश्नों के उत्तर देंगे जी। तो जाना आपसे ज्यादा कोई कन्फ्यूजन जो आप हमेशा करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते? मैं सच बताऊं, कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन एक्चुअली ऐसी चीज होती है कि वो अपने आप से होती है कन्फेशन। अगर मैंने कुछ किसी के बारे में कुछ गलत सोचा कि बुरा सोचा या मैंने कुछ अच्छा नहीं सोचा किसी के बारे में, वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं दुनिया को बोल के कुछ न्यूज बाइट में नहीं दे सकता हूं कि ये मुझे कन्फेस करना है और पब्लिक के सामने। हाँ, अपने आप को कन्फेस करना चाहिए और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाने चाहिए अपने आप को। लेकिन जब लोग पूछते हैं कि कोई भी तरह के सवाल पूछते हैं, मेरा मानना है कि दे शुड आस्क दोस क्वेश्चंस और पूछने भी चाहिए, और मैं अपनी तरीके से जवाब भी देता हूं। एंड आई डू नॉट लाइक टू ऑफेंड एनीबॉडी, मैं हंस बोल के हम लोग जवाब दे दें। बट आई डू नॉट लाइक टू से कि देयर सर्टेन थिंग्स के न्यूज बाइट के लिए कन्फेशन करना चाहिए। व्हाई शुड आई? सी, सम थिंग्स आर वेरी पर्सनल। जी 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 ये सवाल अच्छा जा रहा था, प्लीज आप। हाँ जी, तो क्या मन में आता है? क्या आपने एक और बार पूछेंगे? अच्छा सवाल था। जी, और बहुत बुरा फेज रहा है। जी, बुरा नहीं होता वो फेज। जब स्ट्रगल आदमी करता है उसको बुरा मानना नहीं चाहिए पहले तो। आई थिंक स्ट्रगल एंड फेलियर इज नॉट बुरा, वो अच्छा होता। अपने अपनी तरक्की के लिए आपको फेल होना ही चाहिए। लेकिन आपका सवाल ये है कि नहीं, सवाल ही छूट गया। द क्वेश्चन इज कि इतना सक्सेस मिलने के बाद आप हर एक चौथी फिल्म में, 38 फिल्म में नजर आते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, जी लोग आपको उदाहरण देते हैं और लोग आपके कैरेक्टर्स नाम से आपको बुलाते हैं, जैसे आपको आपने पहले ही बताया जी, तो कैसा फील कर पाते हैं और मन में क्या मंशा रह जाती है आगे फ्यूचर को लेकर? देखो, मेरा मानना यह है कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया हो, सक्सेसफुल काम किया हो, कोई कैरेक्टर्स का डिस्प्ले ऐसा किया जिससे वो फेमस हो गए, वो हो चुका है, वो भूल जाने का और काम के लिए आगे देखते रहने का कि वो हो गया। मतलब यू कैन नॉट कीप ऑन राइडिंग ऑन दैट कि मैंने ये कैरेक्टर किया या वो कैरेक्टर किया, ये फलाना पिक्चर ने 200 करोड़ का काम किया, ये इसने 300। नोबडी, वो म्यूजियम में जाके वो 200 करोड़ का एक फ्रेम नहीं टंगा सकते आप। इवेंचुअली योर वर्क विल स्पीक, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। फेम बहुत ही खतरनाक चीज होती है। जैसे आपने कहा कि आपको जी सर, हाँ, जैसे आपने काफी पूरे फेज से शुरू किया था, तो हाँ, अपनी जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही है जर्नी? पहले तो मैं अपने लाइफ को बुरा मानता ही नहीं। मैं जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि फेलियर डजंट मीन कि कोई बुरा वक्त है। बुरा वक्त वे होता है जो आदमी अपने आप को सोचता है मैं आगे कुछ नहीं कर पाता हूं। जो आदमी के दिल में उमंग होती है ना और हौसला होता है, वो कभी भी उसका वक्त बुरा नहीं हो सकता है। नो मैटर वो कड़का हो, एक रुपये अपने जेब में नहीं हो, मैं मानता नहीं कि उसका बुरा वक्त है वो। एज लॉन्ग एज यू हैव द स्ट्रेंथ टू से कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा अपने आप को, फिर दुनिया अगर देखे या ना देखे। मैं ये भी बात कहूंगा कि लोग बहुत हमेशा बोलते हैं कि मशहूर होना बहुत जरूरी होता है, मैं नहीं मानता हूं। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हो, मेहनत करते हो और अपने फील्ड में आप सक्सेसफुल हो। आप फेमस नहीं हो उसका मतलब नहीं है आप फेलियर हो। फेमस होना इज नॉट अ साइन ऑफ सक्सेस, टू बी सक्सेसफुल इज अ साइन ऑफ सक्सेस। यू अंडरस्टैंड? देयर आर सो मेनी ग्रेट एक्टर्स who may not be famous, but I respect them because they are great actors. तो वो बहुत जरूरी होता है। आज मैं सोचता हूं कि फेम कम्स एंड फेम विल गो, योर वर्क विल ऑलवेज रिमेन। सो आई हैव टू ट्राई टू कीप
माई वर्क. कभी कभी अच्छे पिक्चर्स आते हैं, कभी इतने अच्छे पिक्चर्स नहीं आते. हम लोग कोशिश करते, कोई फेल होते, कोई सक्सेसफुल होते, कोई कैरेक्टर्स को पसंद नहीं किया जाता, कोई बहुत कैरेक्टर को बहुत पसंद करते. वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में वही मेहनत करो भाई. जितनी मेहनत पहले पिक्चर पे की उससे दुगनी मेहनत नेक्स्ट पिक्चर पे कीजिए. फिर लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, वो तो इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी. और वो बुरा वक्त नहीं मानना चाहिए. It is part of your journey. ये गलत है, आप लोगों ने ये निकाला स्टोरी क्या है बैकआउट. मैंने कभी कोई बैकआउट नहीं किया. मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं था और मैंने नहीं किया. इट्स गॉट बैक मुझे आई केम टू नो लेटर ऑन. जी जी मैं यही मानता हूँ कि कभी किसी को बोलो कि ये काम करो आप इतने हजार लाख रुपए कमाएंगे, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता. प्लीज बी ऑनरेबल, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ऑनर योर फादर एंड मदर, ऑनर योर एल्डर्स. बाकी सब वही है ना, फेम सक्सेस फेलियर वही, यही कुछ चक्कर है. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग थिंग्स ऑनरेबली ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी हाउ मच मनी यू मेक. इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी. सर आप हम लोग क्या है, किसके बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? When I was selling, when I was selling wafer, one thing that you hold on to it, which really went make you up in life. One thing. I mean, it is as simple as that. That suppose you have thrown me in the middle of a lake, तो मैं बोलूँगा कि I am down, मैं बीच में हूँ, क्या करूँगा? तो डूब जाऊँ मैं? I will learn how to swim and I learn how to swim well. When you are in the middle of the lake, you learn how to swim best. If you are standing by the किनारा, you will not learn how to swim as well as when you are in the middle of the swimming pool. तो I feel that is it. कि चलो ये मौका मिला है, मेहनत करो. And I learned, I went into theater, 14 साल किया मैंने theater में. तो उसका तो फायदा हुआ ही है ना फिल्मों में. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज. देखिए एक्टर के दो लाइफ होते हैं, एक एक्टर होता है, एक इंसान होता है. अभी ये एक्टिंग तो सीखनी है क्योंकि उसमें टेक्निक होता है, और एक इंसान होता है कि जिंदगी सीखता हो. व्हाट इज लाइफ, इंसानियत क्या होती है. और ये दो लाइव्स पैरेलल चलती रहती है. एक आप इंसान बनने सीखते हो, एक एक्टर बनना सीखते हो. यू हैव टू ज्वाइन इट एट सम पॉइंट इन योर लाइफ. वो मौका जब आए ना, व्हेन यू हैव ज्वाइंड इंसानियत विद एक्टिंग, आई थिंक यू विल बी अ फाइन एक्टर. और एक्टिंग का टेक्निक फिर भूल भी जाओ तो चलेगा. बट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लाइफ टू बी अ गुड एक्टर. सर इसके अलावा फादर्स डे आने वाले हैं, फादर्स डे पर क्या कहना चाहेंगे, कितना मिस करते अपने पिताजी? मैं मेरे पिताजी को मिला ही नहीं तो क्या मिस कर ही नहीं सकता हूँ. लेकिन जब अपने अपने जो बच्चे हैं या फिर अपने दोस्त जब फादर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं तो उस समय कितना मिस करते हैं अपने दोस्त? सॉरी अपने आपके दोस्त जब जिनके फादर. मैं सच बताऊं, आई डू नॉट वॉन्ट टू से अरे मैं मेरे पिताजी को, वो गलत होगा. बिकॉज आई नेवर मेट हिम, ओनली मेरे जन्म के पहले उनका इंतकाल हो गया था. तो बट हियर आई एम फॉर माई सन्स एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ वेरी प्राउड फादर टू वंडरफुल बॉयज. और जैसे एक इंटरव्यू में मेरे बेटों के साथ मेरी इंटरव्यू हुई दो तीन दिन पहले, तो उनका क्या सिखाते, कोई कुछ सिखाते ही नहीं. बच्चा वो नहीं करता जो आप उनको कहते, बच्चा वो करता है जो आप करते. सो इफ योर एक्शंस आर करेक्ट दे विल फॉलो यू. सो इफ यू डू समथिंग रॉन्ग दे विल फॉलो द रॉन्ग ऑल्सो, दे विल डू द रॉन्ग. People don't, children don't do what you tell them to do. They, children don't do what you tell them to do. They do what you do, basically. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. एक वो इंसान नहीं होगा. मम्मी हैज बीन ग्रेट इंस्पिरेशन. उनके अलावा आई थिंक माई वाइफ हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम. मेरे बच्चे भी मुझे बहुत कभी कभी बोलते हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू में, थोड़ा ऐसा लगता है कि आप गुस्सा हो गए उनके साथ, नहीं बोलना चाहिए था. तो
इवन चिल्ड्रन विल टेल यू कि यू नो यू केम अक्रॉस, अगर मन में न भी हो तो ऐसा लगता है कि किसी ने उल्टा सीधा मतलब सवाल पूछा तो मैंने ऐसे कड़क जवाब दे दिया, तो क्यों आपने वो मुंह बनाया, नहीं मैं गुस्से में नहीं था, नहीं आप थे। तो बच्चों से भी सीखना चाहिए, मेरा मानना ये। आई लर्न फ्रॉम एवरीबडी, आई लर्न फ्रॉम यू, आई लर्न फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, क्या हो रहा है वहां पे, देखिए आगे वहां जाके पता चलेगा। लर्न एवरी डे, लर्न समथिंग न्यू, शेयर योर सक्सेस, शेयर योर विद सक्सेस विद एवरीबडी। ओनली घर एंड फ्रेंड्स। हाँ, घर पे जो बोलते ना, मैं पूछता हूँ घर आके, वेरी हमली पूछता हूँ। रात को पिक्चर की स्क्रीनिंग होती है, घर पे आता हूँ, दो बजे रहते हैं, कभी कभी तीन बजे रहते हैं, सवाल पूछता हूँ, तो चलो हाउ वाज आई, गुड, कुड बी बेटर, उनका सुनता हूँ मैं।